गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 6I स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 495 पेंसिल्स, 9 पेंसिल बॉक्सेस, हाउ मेनी पेंसिल्स इन ईच पेंसिल बॉक्स। कह रहा है कि 495 पेंसिल है और प्रत्येक बॉक्स में आपको 9 पेंसिल रखा जा रहा है, तो ऐसे एक कह रहा है कि ईच पेंसिल बॉक्स, तो कह रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल्स, कितने पेंसिल्स होंगे। आप 9 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका 9 से ये चला जाएगा 5 के बारे में, 45। 9 में से 5 गया, 4 कैंसिल, ऊपर से उतर गया आपका 5, और फिर 5 बार में 45, आपका क्या हो गया 55 पेंसिल्स हो गया। नेक्स्ट आपका है कि ए सैटेलाइट मेड 126 ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन 7 डेज, हाउ मेनी ऑर्बिट्स डिड इट मेक ईच डे। प्रत्येक दिन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑर्बिट्स कितने होंगे, ऑर्बिट्स का बताना है ईच डे प्रत्येक दिन में, तो आप 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में जाएगा आपका 7, क्योंकि 12 7 2 14 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में ले जाएंगे, 12 में से 7 गया आपका 5 हो गया, इसमें से करिए 12 में से 7 गया 5, ऊपर से उतर गया 6, 7 के टेबल में ये 8 बार में है आपका 56, ये क्या है आपका 18 ऑर्बिट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 1240 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक विद्यालय में 1240 विद्यार्थी हैं। दे बिगेन फॉर्मिंग टीम ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन, करा के 8-8 स्टूडेंट्स का टीम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। हाउ मेनी टीम डिड दे फॉर्म, तो टोटल टीम की संख्या कितनी होगी, तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16 ज्यादा हो जाएगा, आप 1 बार में ले जाएंगे, 2 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी 12 में से 8 गया आपका 4, ऊपर से उतर गया 4, 8 के टेबल में यह 5 बार में है आपका 14, तो 4 ये कैंसिल हो गया, ऊपर से उतर गया आपका 0, 5 बार में 40, ये आपका क्या हो गया 155 टीम्स। 8-8 स्टूडेंट्स का टीम तैयार हो रहा है, 155 टीम। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड इफ 1500 गिफ्ट्स आर टू बी पैक्ड, ईच बॉक्स कंटेनिंग 6 गिफ्ट्स। कह रहा है कि टोटल आपका 1500 गिफ्ट है और एक बॉक्स में 6-6 गिफ्ट पैक किया जा रहा है, तो टोटल बॉक्स की संख्या कितनी होगी, तो 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, आप 2 बार में ले जाएंगे, 6 2 12, 5 में से 2 गया 3, 1 1 कैंसिल, ऊपर से उतर गया 0, 6 के टेबल में 30 आपका 5 बार में है, तो ये चला जाएगा, ऊपर से आ गया आपका 0, 6 के टेबल में 0 नहीं है, यहाँ 0 ला देंगे, आपका 250 क्या हो गया बॉक्स हो गया, यानी टोटल बॉक्सों की संख्या कितनी हो गई आपकी 250। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जे की तरफ, सेट प्रैक्टिस जे 6 जे की तरफ चलेंगे हम लोग, 6 जे क्या कह रहा है। अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 6J देखेंगे। 6J में हेडिंग दिया हुआ है आपका डिवाइड, डिवाइड मींस भाग दो। जैसे आपको 50 में 10 से डिवाइड करना है, 160 में 10 से डिवाइड करना है, 700 में 10 से डिवाइड करना है, और भी इसका DEF है, तो देखिए 10 से जब
50 में डिवाइड करेंगे तो 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, 10 फोर जा 40, 10 फाइव जा 50, 5 घटेंगे। ऐसे ही 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 से 160 में तो वन बार में आपका 10 चला जाएगा, 6 कैंसिल 0 आ गया, 10 के टेबल में ये आपका 6 बार में चला गया, 16 हो गया। फिर इसी तरह 10 से आपका 700 सेवन बार में जाएगा 70, ऊपर से उतर गया 0, 10 के टेबल में 0 तो 0 गया, 70 बार में चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग ध्यान देंगे। डिकेड इन ए नेम ऑफ 10 इयर्स, करेक्ट, वन डिकेड 10 इयर्स को कहते हैं। हाउ मेनी डिकेड्स आर देयर इन ए सेंचुरी, तो कह रहे हैं कि एक सेंचुरी में डिकेड्स कितना होगा। तो आपको समझना है वन सेंचुरी में 100 इयर्स होता है, तो 100 में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से 100 में डिवाइड करेंगे तो वन बार में तो फर्स्ट में 10 चला गया आपका, ऊपर से आ गया 0, ये 10 का टेबल में तो 0 है नहीं, यहां बैठा देंगे 0, यानी कि वन सेंचुरी में 10 डिकेड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सेंचुरीज आर देयर इन 4000 ईयर्स, करके 4000 वर्ष में कितना सेंचुरी होगा। तो ये आपको पहले याद रखना है कि एक सेंचुरी में 100 वर्ष होता है, अर्थात वन सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है, तो 100 से 4000 ईयर्स में डिवाइड करेंगे तो आप 100 से 4000 में डिवाइड कीजिए तो आपका 4 बार में जाएगा, 400 कैंसिल, ऊपर से आ गया 0, 100 के टेबल में 0, 0 बार यानी 40, 100 के टेबल ऊपर से आ गया 0, ये तो 0 जाएगा नहीं 100 के टेबल में, तो वहां क्वाड्रेंट में 0 बैठा देंगे, इस प्रकार आपका 40 सेंचुरीज हो जाएगा 4000 ईयर्स में। नेक्स्ट है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 6K, 6K पर हम लोग ध्यान देंगे। फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर आल्सो चेक योर डिवीजन, करा के आपको डिवीजन करना भी है, उसका क्वाड्रेंट और रिमाइंडर भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ चेक भी करना है। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट हम लोग बनाए, 4 से ये डिवाइड कर रहे हैं 639 में, क्वेश्चन आपका यही है, वन बार में आपका जाएगा 4 से, तो 6 में से 4 गया 2, ऊपर से आ गया 3, 4 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 23 आया नहीं तो इससे कम है, तो आपका 5 बार में 20 आएगा, तो 3 में से 0 गया 3 और 2 कैंसिल, ऊपर से आ गया आपका 9, 4 का टेबल में 39, तो 9 बार में आपका जाएगा 36, क्योंकि 4 बार 10 बार में तो 40 हो जाएगा, 40 से तो ये 39 कम है, 9 बार में 36, 9 में 6 गया 3 और ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पर क्वाड्रेंट अर्थात भागफल का मान हो गया 159 और रिमाइंडर का मान हो गया 3। अब इसको बोल रहा है चेक करने के लिए, तो देखिए यहां पर लिखेंगे आप चेक, और चेक के बाद एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का मान इसमें कितना है 639, 639, डिवाइजर का मान कितना है 4, क्वाड्रेंट का मान कितना है आपका 159, अब प्लस रिमाइंडर आपका कितना है 3, तो 639, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 5 जा 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 3 7 प्लस ये 3 नहीं आपका कैरी 2 है, 4 1 जा 4 और कैरी 2 आपका 6 हो गया, 6 3 9,
हाईएस्ट 6 और 3 9, 3 का 3, 6 का 6। फिर एक बार चेक कर लेंगे, लिखेंगे चेक में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। यह आपका एक फॉर्मूला है, यह ध्यान रखिएगा और यह फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से चेक किया जाएगा। डिविडेंड का मान दे दिया आपका 636, डिवाइजर का मान आपका देखिए 4 है 4, क्वार्टेंट का मान 159, रिमाइंडर का मान 3। 639 है लिख देंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 5 जा 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23 कैरी 2, आप 4 1 जा 4 2 6 प्लस 3, ये 6 3 9 3 और 6, 639। मैं देख रहा हूं कि ये डिविडेंड के इक्वल आ गया। जब डिविडेंड के इक्वल आ जाए यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका दोनों जब इक्वल हो जाए तो समझिए कि ये आपका डिवाइड राइट है, और इस फॉर्मूला के माध्यम से ही चेक करते हैं। इसमें और भी जो क्वेश्चन आपका बच गया है वो घर पर बैठकर अच्छी तरह से बनाइएगा। थैंक यू।